नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट दिखाऊंगा। इसमें मैंने मेनली बैंक निफ्टी हेजिंग दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। मैंने मार्केट एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर देता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप, टुमारो इंटरडे बैंक सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ रेगुलर अर्निंग्स ट्रेड करने के लिए, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में न्यूज अपडेट करता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजी सा सेटअप है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने सब्सक्राइब करके रखी है, मैंने बीच बीच में जो कुछ भी नया आता है तो मैंने डाल देता हूँ, तो वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग को उधर से देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर से आप लोग का यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है। और इधर उधर आप लोग को ट्रेनिंग मॉड्यूल भी दिया हुआ है, उसमें को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। और आप लोग एंजल बुकिंग अस्थाटे डेलीज ब्लू स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप लोग ज्वाइन होने से आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने चार्ट का बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, 15 मिनट का चार्ट। ये आज ओपन हुआ है थोड़ा सा ऊपर, फर्स्ट 15 मिनट का लंबा कैंडल बना है, थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया है, ठीक है। इधर से ये ट्रेंड लाइन का ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये जो वायलेट कलर का लाइन है ये अभी तक ऊपर नहीं गया, लेकिन इस इधर जो लेवल है लगभग 276-280 का लेवल, इधर से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। और इधर से जो ऑसिलेटर्स है तो इधर से ये थोड़ा सा ये आप दिखा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, और एक्चुअली ये स्क्रिप्ट सब मैंने बना है, सब मेरा बना हुआ स्क्रिप्ट है, तो इसमें आप लोग को इंडिकेटर नहीं मिलेगा। जो लोग मतलब ट्रेनिंग सर्विस लेंगे या कर लेंगे तो इसमें आप लोग को स्क्रिप्ट दे देंगे, आप लोग भी बना सकता है। एनीवे तो इधर से देखिए, ये भी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है और इधर जो आर एस आई है इधर अपर साइड में ये इसका जो है ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये फिर से एक नीचे एक बनाने का कोशिश कर रहा है, इधर 60 का नीचे ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो कुछ 50 का नीचे आने का कोशिश कर रहा है, देखते हैं। तो जब कुछ अपडेट मिलेगा और ये अपडेट मिलेगा तो आप लोग को फिर से मैंने मैंने अपडेट करूँगा। तो तब ये ट्रेंड थोड़ा सा नीचे आने का है, ये ऊपर जाएगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा देखना पड़ेगा। मैंने एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेता हूँ, चार्ट एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन चेन में बहुत क्लियर नज़र आता है कहाँ से कहाँ हो सकता है, कहाँ लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऑप्शन चेन को एक बार देख लेने का कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी का पहले बीसीए रेशियो को देखता हूँ, 10-15 मतलब ये थोड़ा एक के नीचे मतलब 0.75 के आसपास होगा, ठीक है। और इधर मतलब नीचे का बेल्ट पे ट्रेड कर रहा है, इधर 21,500 में इसका
रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पुट साइड में, पर्टिकुलरली 21,000 का लेवल पे, 21,000 का लेवल पे इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन इधर हाई भी ज़्यादा है, ठीक है, और पीछे रेशियो भी ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे ही रहेगा, देखना पड़ेगा। इधर से कुछ बड़ा वॉल्यूम देख नहीं रहा है, इधर जो बना है 6 लाख 41 लाख का फ्रेश एडिशन हुआ है शॉर्टिंग का, और इधर थोड़ा सा लगभग सेम ही है, ठीक है, और एक 6,03,000 इधर थोड़ा सा कम है, सो फ्रेश एडिशन जो हुआ है 21,200 का लेवल पे जो चल रहा है, इधर शॉर्टिंग हो रहा है, इधर आई भी 43, इधर 41 और इधर 3,64,000, इधर 4,45,000, मतलब 21,200 का लेवल पे ये अच्छा सपोर्ट लेगा, और इधर 21,000 का लेवल पे भी ये सपोर्ट लेगा, 21,100 का लेवल पे भी सपोर्ट लेगा और 21,000 का लेवल पे भी सपोर्ट लेगा। थोड़ा सा रेंज बाउंड लगता है, देखता है, कुछ अपडेट होगा तो आप लोग को फिर से अपडेट करूँगा, तब तक लिए पास करता हूँ। तो मार्केट नीचे जाएगा एक्सपेक्टेड, इधर से ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो चुका है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिया है और इधर से ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, RSI भी 40 के नीचे आया था, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इधर से ये जो है 270-71 ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तो मैंने इसीलिए इसका सेल किया है, ठीक है, और कॉल को बाई है, सॉरी पुट को बाई किया है। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर से सेल चल रहा है, ठीक है, इधर से सेलिंग मैंने किया है 20,800 कॉल को, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, लास्ट में दिखता है, और इधर पुट को बाई किया है, पुट को बाई किया है, ठीक है, इधर भी थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जल्दी से किया हूँ, और इधर से भी 21,200 का PE मैंने सेल किया है, सॉरी बाई किया है, तो इधर भी थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, देखना पड़ेगा, फिर से आगे आप लोग का अपडेट करता हूँ। दोस्तों एज आई एज्यूम मार्केट नीचे गिरेगा, 270 के ऊपर जा नहीं पाएगा, तो मार्केट गिरा है तो ये फिलहाल 41-40 तक आ सकता है, 40 का नीचे जाएगा तो फिर से नीचे गिरेगा, और अपसाइड पे जाने के लिए इसको फिर से एटलीस्ट 270 का 200 एक्चुअली इसका 200 हाँ ये 220 के ऊपर जाएगा तो ये फिर से ऊपर जा सकता है। तो मैंने इधर से एक इसमें प्रॉफिट बुक किया था, इधर 4 लॉट PE बाई किया था, और इधर से मैंने 20,800 का पुट कॉल को सेल किया था, ठीक है, और इधर से 21,500 कॉल का बाई किया था, इधर भी प्रॉफिट बुक किया है, और इधर मैंने ये इधर भी मेरा प्रॉफिट बुक किया है, PE बाई किया था एक्चुअली, इसको बाई किया था 21,200 PE का बाई किया था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर पसंद कीजिएगा, और ट्रेडिंग का जो मैंने स्ट्रेटजी कुछ आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कुछ क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत है, या आप लोगों को कुछ और भी कुछ का ज़रूरत है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।